गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सोमवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर स्थित स्ट्रांग रूम से पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। 1 दिसंबर को जिले के 16 मतदान केंद्रों पर 16 प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे 40,164 मतदाता। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की मतगणना के लिए कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। मतगणना को सकुशल संपन्न कराने की बताई गई बारीकियां। हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र के देवरिया गांव में ऑर्केस्ट्रा में हुए विवाद के बाद हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक और वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। पहले भी 3 आरोपियों को जेल भेज चुकी है पुलिस। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने दी जानकारी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सदर सांसद रवि किशन ने बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं के साथ जलाए 11,000 दीपक, मनाया देव दीपावली। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को संपन्न कराने के लिए एसएसपी ने चुनाव ड्यूटी में लगाए गए सभी पुलिस कर्मियों को किया ब्रीफ। कहा, दायित्वों का निर्वहन करते हुए सकुशल संपन्न कराएं मतदान, सुरक्षा पर बरतें विशेष चौकसी। राजघाट स्थित राप्ती नदी तट पर दाह संस्कार में शामिल होने आया 18 वर्षीय युवक का 48 घंटे बाद तक नहीं मिला शव। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम शव की तलाश में है प्रयासरत। गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह की अध्यक्षता में ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव और दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के तत्वावधान में महत्वपूर्ण आयोजित की गई बैठक। पुस्तक का किया गया विमोचन, गंभीर मुद्दों पर लिए गए निर्णय। गोरखपुर में सोमवार को मिले 24 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,057। अब तक 322 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 436 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्री कांति वारी ने की पुष्टि। गुरु नानक देव के 551वें प्रकाश उत्सव पर्व पर जटाशंकर गुरुद्वारा में आयोजित हुआ कार्यक्रम। श्रद्धालुओं ने मत्था टेक कर गुरु नानक देव का लिया आशीर्वाद। और माघ मास की कार्तिक पूर्णिमा पर सोमवार की सुबह श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर आस्था की लगाई डुबकी। वैदिक रीति से की पूजा अर्चना, अन्न दान कर सुख समृद्धि और शांति की कामना।